व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोग को एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में बेसिक लेवल में मैं बताने वाला हूं कि पोको M3 ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस में अभी तक एंड्रॉयड 11 तो रिसीव नहीं हुआ है और ऐसा कुछ न्यूज़ भी नहीं है जहां मैं आपको बता सकूं कि इस दिन के बाद से एंड्रॉयड 11 रिसीव होना स्टार्ट होगा या हमें MIUI 12.5 देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, MIUI 12.5 या एंड्रॉयड 11, वो मुझे आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल हम देख लेते हैं पोको M3 में एक और अपडेट रिसीव हुआ है। फिलहाल तो मैं सारा अपडेट के वीडियो नहीं बनाता पोको M3 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लगभग दो महीने के बाद एक अपडेट आता है और यहाँ पे भी एक अपडेट रिसीव हुआ है। और मैंने इससे पहले जो वर्जन थे वो था 12.0.7.0 और अभी जो वर्जन मुझे देखने को मिला है वो है MIUI 12.0.9.0। अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 12.9 तक हम लोगों ने रीच कर लिया है। अब अगर एक पोको M3 के यूज़र ने बताओ, पोको M3 काफ़ी ज़्यादा स्टेबल जाता है और मेरे हिसाब से इसकी जो परफॉर्मेंस है, पोको UI की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होता। फिर भी इन लोगों ने जो अपडेट दिया है उसकी जो मतलब बिल्डर वर्सन है या मान सकते हो उसकी जो चेंजेस लॉग है वो है ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, उसके साथ साथ सिक्योरिटी पैच अपडेट, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे डाला गया है जो कि क्वाइट ऑब्वियस बात है और जो कि हमेशा आता भी है। ये अपडेट के बारे में तो आप लोगों को पता चल चुका है और अपडेट कितनी साइज का है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अपडेट नाउ में स्टार्ट करता हूँ और ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं डाउनलोड में दिखा देता हूँ और अपडेट करने के बाद अपडेट की क्या मतलब पूरी की पूरी रिव्यू रहेगी वो खैर आप लोगों को ज़्यादा पता ही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई मेजर बग देखने को नहीं मिलते। अगर यहाँ पे कोई भी मेजर बग देखने को मिलते हैं तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग MIUI 12.0.9.0 वर्जन में आ चुके हैं, तो इसके बाद आता है MIUI 12.5 और मुझे लगता है इसके बाद ही जो अपडेट आने वाला है वो MIUI 12.5 अपडेट आने वाला है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपडेट आते आते कितनी टाइम लग जाएगा। अगर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू की आप बात करें, जितनी मैंने बाकी डिवाइस को पोको एंड MI का बाकी डिवाइस को देखा हुआ है, तो मुझे लगता है अपडेट आते आते लगभग यहाँ पे जनवरी या फरवरी मंथ तो लग ही जाएगा। उसके बाद हमें इस डिवाइस में MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिल सकता है। अब MIUI 12.5 इस डिवाइस में कितने अच्छा चलेगा वो अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि MIUI में काफ़ी ज़्यादा बग्स होते हैं, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ MIUI में बहुत ज़्यादा बग्स होते हैं पर पोको UI में बहुत कम बग्स होते हैं। सीरियस बात है, पोको UI में बहुत ही कम बग्स होते हैं एंड पोको UI की तरह स्टेबल UI मैंने बहुत ही कम देखा है और ये एकदम से ना प्रॉपर काम करता है। मैंने हार्डली एक या दो बार शायद कुछ चीज़ क्रैश होना या लैग होना ये मैंने पोको M3 में देखा हुआ है। तो शायद आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जाता होगा। अगर आप लोग कुछ मेजर इशू या कुछ फेस करते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ना यहाँ पे कोई लैग हैंग का इशू मिलता है और ना यहाँ पे कोई यहाँ पे हीटिंग इशू देखने को मिलता है, तो ये एक बहुत ही क्लियर एंड क्लीन एक्सपीरियंस मुझे तो प्रोवाइड करता है। और बात करते हैं भाई MIUI 12.5 के अपडेट के बारे में, तो जैसे कि मैंने बताया कि MIUI 12.5 भी ऑन द गो है पर एक्चुअली कुछ लीक्स नहीं आया है। अगर कुछ लीक्स आए तो मैं आप लोगों को ज़रूर वीडियो बना के बता दूंगा कि एक्चुअली कितनी दिन बाद और कब कितनी साइज़ के साथ कौन कौन सी फीचर्स के साथ MIUI 12.5 पोको M3 में लॉन्च होगा, पूरी डिटेल्स आपको पता लग जाएगी, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही और यहाँ पे यह अपडेट तो अभी चालू है, अपडेट करने के बाद अगर कुछ मिला तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बनाऊँगा और 100%। और चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए अगर आपको ऐसा वीडियो देखने में इंटरेस्टेड लगते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, गुड बाय।